गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मसाला पोहा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाने में बहुत ही इजी, हेल्दी और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये मसाला पोहा। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने छोटा पीस अदरक का लिया है, जिसको कि ग्रेट किया हुआ है। एक टमाटर बारीक चॉप्ड, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक आलू लिया, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। आधी कटोरी के करीब मटर, ये फ्रोजन मटर है, और दो तीन हरी मिर्चें ली हैं, जो कि बारीक चॉप की हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मूंगफली ली है, जिसको कि हल्का सा हम पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसको एक बर्तन में निकाल कर रख देंगे। अब मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल के लिए हैं। अब इसमें मैंने प्याज डाल दिया है कटा हुआ, उसको हल्का सा ही फ्राई किया है। उसके बाद ये जो हमारे कटा हुआ आलू है वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, और इसको हम तब तक के लिए इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि हमारे आलू हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट मेरे आलू सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर 10-15 करी पत्ता लिया है, तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब जो हमने बारीक चॉप्ड टमाटर, अदरक और ये हरी मिर्चें हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने फ्रोजन मटर ली है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सॉफ्ट होती हैं फ्रोजन मटर, इसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैंने यहाँ पर ये पोहा लिया है, जो कि मसाला पोहा है। इसी पोहा के अंदर मसाले का पैकेट आता है, तो इसलिए हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने पहले पोहा 2-3 पानी से धो करके उसके बाद छन्नी वाला बर्तन में इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब इस मसाले के पैकेट को आप खोलिए और इसमें इस तरह से डाल दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी होता है, इसमें आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अमचूर सभी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो इसलिए हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इस मसाले को, आप मसाला पोहा को, इस जो हमने सब्जियां फ्राई की है इसमें डालिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और इसको 1-2 मिनट के लिए इस तरह से चला लीजिए। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी लूँगी, पानी के हम इसमें थोड़ा सा छींटे डालेंगे। इस तरह से करने से हमारे पोहा जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। अब ये इसको पहले अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसको ढक्कन लगा करके और इसको हम गैस की को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसी तरह से इसमें रहने देंगे, जिससे कि हमारा पोहा अच्छा सॉफ्ट हो जाए। और बस अब इसको निकाल कर एक प्लेट में सर्व करिए। ये इतना इजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है कि इसको कोई भी बच्चा भी बना सकता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।